वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी गाइस, जैसा कि आज हमारा सीन है शाहपुर डैम जाने का, और आपको हमेशा मिला करें कि इतवार मतलब संडे को ही शिकार की न्यू अपडेट हमारी, क्योंकि हम जाते हैं संडे को ही, हमें टाइम संडे का संडे को ही मिलता है। तो बस सामान वगैरह हमारा रेडी है, बैग वगैरह भी तैयार कर रही, रॉड वगैरह भी सामान सारा रख रही है। बस अभी हम निकल रहे हैं, सुबह का हो गए तकरीबन 4:45 निकलेंगे इधर से, और रोशनी होने तक हम चराई वगैरह बना के तो पानी में थ्रो करेंगे, इंशाल्लाह शिकार अच्छा होगा। बाकी जो है हमारा आप देख सकते हैं रेडी है बिल्कुल। बाकी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाएंगे तो इसे जाकर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती जाए, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। गाइस रोशनी हो चुकी है और सूरत लग रहे हैं कि बादल आए हुए हैं, मगर अभी सुबह ताज़े ताज़ी रोशनी है, तो ऐसे इस वजह से ऐसा लग रहा है, मगर इंशाल्लाह मौसम सही रहेगा और देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। आज लाख टूटा हो ही रहा है सारा कुछ। मंदिर से निकाल रहे हैं गंडोए शाहपुर डैम के नाले में से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे होते हैं गंडोए। ये देखें पहला निकला है माशाल्लाह से सुतरा सा, इधर मैंने सीख से निकाले थे और इसे सुए से नहीं निकल रहे। Thank you.
जी, तो गाइस अभी हमने यहाँ से जो है नाश्ता करना है, पराठे बन रहे हैं, उधर चाय भी तैयार हो रही है, ये देख सकते हैं। और भूख तो इस टाइम लगी है बड़ी ज़बरदस्त, और टाइम भी सूरज जो है निकल चुका है काफ़ी ऊपर तक, और जाएंगे पॉइंट देख के अच्छा सा बैठ जाएंगे। कीड़े वगैरह भी हमने निकाल लिए ज़्यादा से, चराई बनानी है। चावल जो थे मैंने कहा था यहाँ उबल जाते, मगर नहीं, इधर रास्ता ही नहीं है कोई उबलने का, हमने कहा वहीं जा कर फिर उबालें। हाँ जी, तो गए ये जिस तरह चावल उबल रहे हैं ना, आप देख सकते हैं, लग रहे हैं, तो इसको तकरीबन साल लग जाएगा। और बस क्या मैं बताऊँ, हमारा शिकार इधर का इधर ही रहेगा। देख सकते हैं कि पानी हमने जा के चेक करना है कितना ऊपर आया और कितना नहीं, और शिकार की जो है सूरत हाल चेक करनी है आज हमने, और बंदे यहाँ से ही नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं पहले से ही बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा। हमने सोचा था जाके पहले हम जगह मिला लेंगे और वहाँ से चराई के गोले बना के तो थ्रो करेंगे, मगर नहीं, हम जितना भी जल्दी निकले हमने लेट ही पहुँचना होता है हर जगह, सो लिहाजा हम पहुँच चुके हैं इधर। सुबह के हो गए हैं 7:15, और अभी हम इधर बनाएंगे चराई, उसके गोले भी फेंकेंगे और रॉड वगैरह तैयार करके सब कुछ तैयार करके आपको फिर दिखाएंगे। ओके जी गाइस, हम पहुंच चुके हैं और पानी देखें काफ़ी सारा ऊपर आ गया, और वहाँ पे अब देख सकते हैं पहले किधर था पानी और कहाँ से कहाँ आ गया। हम शुरू में आए थे तो वो उन झाड़ियों के पास गए थे, और अब पानी बहुत ऊपर तक आ गया, ये देख सकते हैं। अब उम्मीद है हमें मछली लगे आज अच्छी, अच्छा दाना ऐड करें इंशाल्लाह। बाकी हम आपको दिखाते हैं। बहुत गर्म है, जी तो गाइस रॉड कास्ट कर लिए और चाल भी बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, वेट चारा लगाया हमने, ये चेक करें आप कि चाल कैसी हो रही है, बस एक ताना हिट हो जाए अच्छा था, क्योंकि हमने चराई के गोले भी फेंके, आप देख सकते हैं ये चराई है, और देखते हैं कि हमारी चराई अभी काम दिखाती है कि नहीं दिखाती। इस दूसरा दाना इट हुआ है माशाल्लाह, वो आ रहा है दाना, दाऊद उस्ताद ने निकाले, हमारी मेहनत काम दे रही है। ये देखें जी, ये चारा हल्का 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 जरा खिलास टैट कर, आने दे माशाल्लाह दाना बड़ा है, लाने दे, आने दे, ये देखें जी ये आ गया माशाल्लाह, एक और रहू आ गया, ये माशाल्लाह किलो का रहू निकाला है माशाल्लाह, खूबसूरत। ये देखें जी, हाँ जी, तो गाइस एक और रहू आ गया हमारे पास माशाल्लाह, अदील ने पकड़ा है माशाल्लाह जी, दील ने पकड़ लिया, मुबारक हो राड, पहला फर्स्ट उसका ट्राई था राड का और लग गया माशाल्लाह से।
चल ये देखें जी नाजरीन, पठा लगा है माशाल्लाह। ये देखें जी पठा आ गया बाहर। पता लगेगा माशाल्लाह। मेरे रॉड को हिट हो गया, दाना निकाल दिल रहा है। अब देखते हैं माशाल्लाह से कौन सा दाना है और कौन सा नहीं है। ये आ गया माशाल्लाह से रहू आ गया 1 किलो का, या पठा आया। ये देख सकते हैं ये आया है, आने दे। तुर्की है, तुर्की है माशाल्लाह से, किलो का तुर्की माशाल्लाह से जी, किलो का तुर्की आया। सिल्वर है नहीं, तुर्की है माशाल्लाह जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब उधर ही चाल है,